कॉमरेड सीताराम और मेरा रिश्ता 50 साल पुराना है। हमारी पार्टी के पॉलिट ब्यूरो में हम दोनों 32 साल साथ काम किए। जो भी शोक प्रस्ताव में बातें रखी गई है उसी को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का है और हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक ताकतों के लिए भी बड़ी क्षति हुई है। कॉमरेड सीताराम का राजनीतिक जीवन छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था और हमारी पार्टी की सदस्यता के सदस्य बनने के बाद बहुत तेजी से, क्योंकि उनके मार्क्सवाद के विचारधारा पर बहुत अटूट विश्वास था और उसको हमारे देश में और हमारे समाज में विश्लेषण करके लागू करने के लिए जो उनकी क्षमता थी उसके कारण वो जल्दी ही हमारे पार्टी में उनको एक मार्क्सिस्ट, एक मार्क्सवादी विचारक और आइडियोलॉग के रूप में उनको मान्यता मिली थी। और उनकी ये मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर ही उन्होंने हमारे देश में आज जो सबसे बड़ा खतरा है हिंदुत्व सांप्रदायिकतावाद, उसके बारे में भी उन्होंने बहुत पहले ही उस हिंदुत्व विचार का पर्दाफाश किया और उसी के आधार पर उन्होंने अपने राजनीतिक काम में इसको केंद्र बिंदु बनाया कि किस तरह हमारे देश के सब जनतांत्रिक सेक्युलर ताकतों को एकजुट करें। आज आप देखेंगे कि हमारे इस मंच पर जो पार्टियों के नेतागण हैं जिन्होंने सब मिलके, जिसमें कॉमरेड सीताराम का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा, हमारे देश में जनतंत्र को, हमारे देश में सेक्युलरिज्म को, हमारे देश में संघवाद को, फेडरलिज्म को बचाने के लिए जो इंडिया ब्लॉक का गठन किया उसमें कॉमरेड सीताराम का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा। तो कॉमरेड सीताराम हमारे पार्टी के मुखपत्र के संपादक रहे थे 2 दशक के लिए और 1992 के बाद हमेशा संपादकीय में वो लिखते थे। आखिर में उनका नारा होता था सेव इंडिया टू मेक इट अ बेटर इंडिया, टू चेंज इंडिया टू मेक इट अ बेटर इंडिया। एक बेहतर भारत को बनाने के लिए पहले हमें भारत की रक्षा करने की जरूरत है और वो बेहतर भारत का जो उनका सपना था वो समाजवाद था, एक समाजवादी भारत। तो कॉमरेड सीताराम का न रहने से
हम सबके लिए बहुत भारी क्षति है, लेकिन हम सब मिलके अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें, तो एक ऐसा बेहतर भारत को निर्माण करने के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। यही आज हमें शपथ लेना है और यही कॉमरेड सीताराम के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। सीताराम येचुरी जी ये सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही एसेट नहीं थे, ये सबके प्रिय नेता थे और सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। खास करके इंडिया अलायंस करने में उनका भी बहुत बड़ा पात्र था। उन्होंने हमको बार बार याद दिलाता था, वो खासकर सोनिया गांधी जी से मिलते थे और इंडिया अलायंस के बारे में वो आगे बढ़ाने के लिए और यूनिटी लाने के लिए बहुत ही कोशिश करते थे। मेरा पहला मीटिंग इंडिया अलायंस का मेरे घर में ही हुआ और उनसे ही स्टार्ट हुआ। तब फिर हम एक एक करके हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता राहुल जी, हम बैठकर एक एक पार्टी के नेताओं को बुला बुला कर बात करने के बाद जो बात बनी, उसके बाद इंडिया अलायंस आगे बढ़तेगा। इससे पहले भी जब यूपीए गवर्नमेंट थी उस वक्त भी उन्होंने मनरेगा के बारे में बहुत इंटरेस्ट लिया था कि मनरेगा ये अवश्य है, ज़रूरी है और गरीबों के लिए जीने के लिए एक बहुत बड़ा कानून जो मैडम सोनिया गांधी जी ने लाया था उसकी बहुत तारीफ करके वो हमेशा आगे कहते थे। और दूसरी चीज़ मैं उनमें एक खूबी देखा कि कभी गुस्से में नहीं आते थे और किसी को इंटॉलरेंस की बात नहीं करते थे। भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता, देश के सेक्युलर सियासत की धुरी, भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव, प्रख्यात मार्क्सवादी चिंतक, वामपक्ष व मेहनतकश आवाम के अति लोकप्रिय नेता कॉमरेड सीताराम येचुरी जी के निधन पर आयोजित इस स्मृति सभा में उपस्थित सभी सुधीजनों के मन में निश्चित रूप से आज यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या येचुरी जी के सपनों के भारत को बनाए जाने के संघर्ष को आगे ले जाए जाने वालों की निरंतर घटती संख्या के बीच आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके संकल्प को पूरा कर सकने का वादा कर सकते। आज जब राजनीतिक सुचिता कटघरे पर है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दिनों दिन बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अधिकतर लोगों द्वारा ईमान धर्म को गिरवे रखने में कोताही तक नहीं बरती जाती, वर्षों पुरानी अपनी विचारधारा राजनीतिक मूल्यों को ताक पर रख कर जनता के सामने, मीडिया के सामने बड़ी बेशर्मी से बड़े बड़े नेताओं द्वारा गिरगिट की तरह बयान बदले जाते हैं, ऐसे समय में कॉमरेड सीताराम येचुरी जी इस कतार से बिल्कुल ही अलग खड़े दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने आजीवन अपने विचारों, अपने सिद्धांतों व मूल्यों की प्रतिबद्धता को बरकरार रखा। व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी प्रकार का समझौता कभी नहीं किया, हमेशा सांप्रदायिक एवं विघटनकारी शक्तियों के खिलाफ वे मुखर रहे। 1974 में पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदस्य बनकर छात्र आंदोलन में शामिल होकर JNU छात्र संघ का अध्यक्ष चयनित होकर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का संयुक्त सचिव और अखिल भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित होकर आरंभ की गई उनकी यह यात्रा 1915 में उन्हें CPIM के महासचिव के पद तक ले गई। 2 कार्यकाल तक राज्यसभा का सदस्य रहकर उन्होंने लगातार देश के शोषित वंचित समुदायों, संघर्षशील मजदूर वर्गों की आवाज़ को
मुखट्टा से संसद में उठाने का काम किया। उनकी बौद्धिकता का सभी लोहा मानते थे। संपूर्णता में उन्हें सिद्धांत को व्यवहार में तब्दील करने की कला में महारत हासिल थी। उनके असामयिक निधन से भारत में CPIM एवं वाम आंदोलन के साथ साथ आज की चुनौतीपूर्ण सांप्रदायिक कॉरपोरेट गठबंधन के खिलाफ जारी संघर्ष को भी नुकसान हुआ है। आज कॉमरेड सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दिए जाने के लिए आयोजित स्मृति सभा से हमें यह संकल्प लेना है कि शासक वर्ग द्वारा देश के किसानों मजदूरों के जीवन और आजीविका पर क्रमबद्ध तरीके से किए जा रहे हमलों और मेहनतकशों की एकता को कमजोर किए जाने के लिए उन्हें सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किए जाने की साजिशों का हम डटकर मुकाबला करेंगे ताकि जनपक्षीय नीतियों के आधार पर एक बेहतर भारत का निर्माण किया जा सके। It's extraordinarily difficult to come to terms with the death of Sitaram Yechury, a friend and comrade of close to 50 years. And I pay my condolences to Seema, to Akhila, to Danish, and other members of the family. As the CPIM Politburo statement of homage pointed out, Sitaram's untimely death at this crucial juncture in our national politics is a big blow to the CPIM and a grievous loss for the left, democratic and secular forces. But even as we continue to grieve over what is for many of us a personal and emotionally wrenching loss, I think the time has come to celebrate his life and work and the cause and the values he stood for, because that is what he would have wanted. Sitaram, others have made it clear, was brilliant. He was versatile. He was charismatic. He was empathetic. And he was amiable. In the large outpouring of public tributes and coverage in the mainstream news media, the concentration has been on Sitaram's ability to reach out to leaders, many of them are here today, of secular opposition parties, and bring them together on a common platform. The array of political leaders assembled here to pay their tribute bears eloquent testimony to this important contribution to the fight for democracy, secularism, and the Constitution. But the other aspect that really struck me, that most of them media have missed, is what Prakash, his close comrade for half a century, has brought out in the most illuminating and interesting article I have read on where and how Sitaram would be most missed. This article appeared earlier this month in People's Democracy, and many of you would have read it. Prakash elucidates Sitaram's special and distinctive contributions over a long period to the ideological, programmatic, and political positions of the CPIM. And this, to a political journalist like me, is of great interest. Sita's life was a model of integrity, commitment, sacrifice, and deep ideological and political anchoring and fortitude. We have heard from Prabhat and others that he was an outstanding student, and he was drawn, and in those days, some of the best students in the country came to the Communist Party. Adab, Salam, Johar, Jai Bhim, Namaskar, Lal Salam. आखिर में बोलने का यही एक एक चुनौती है कि बोलने का रहा रह क्या गया, फिर भी कोशिश रहेगी. आज के ये शोक सभा तो हम कह नहीं सकते सीताराम जी के लिए, सीता के लिए. ये जो आज का एक मेमोरियल है, जो भी हम कहें, मीटिंग है, बस हम एक हमारे एक संघर्ष और प्रतिरोध के साथी को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्यारे पक्ष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को भी, बाकी उनके पूरे मास ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जन आंदोलन को भी एक लोकतांत्रिक ढांचा और एक सामूहिक ढांचा देने का काम किया. हमारे जैसे पत्रकारों को, संपादकों को पार्टी ऑर्गन पीपल्स डेमोक्रेसी में
लिखने का मौका दिया और हमारी व्यक्तिगत और सांगठनिक जो लड़ाई है सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध, जातिवाद ताकतों के विरुद्ध, फांसीवाद ताकतों के विरुद्ध, वो संघर्ष को शुरुआत से 92-93 से समझा और इस तरह समझा कि हमें बस पता ही था कि सीता हमारा ख्याल रख रहे हैं, देख रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स से हमारा ख्याल देख रही है कि कभी, और बहुत सारी चुनौतियां आई उस वक्त, सीताराम भी, सीता भी और पार्टी भी हमारे साथ खड़ी रही। तो इसका हम पूरा निचोड़ कैसे कर सकते हैं? मुझे बस एक चीज़ यहाँ ज़रूर कहनी है, क्योंकि कई चीज़ें गए 10-11 सालों में कहना लोग बंद कर दिए हैं कि 2002 में सबसे पहले मार्च 1, 2002, एक शुक्रवार जुम्मा का दिन था कि सीता बाकी 2-4-5 सांसदों के साथ, पहले वो सांसद थे जिन्होंने गुजरात की उबलती हुई ज़मीन पे कदम रखा, वहाँ की हुकूमत के साथ टकराव किया और वहाँ के पूर्व पुलिस कमिश्नर पीसी पांडे का भी के भी साथ मध्य रात्रि उनके साथ पूरे डेलीगेशन का एक टकराव हुआ। सीताराम येचुरी द आइकोनोक्लास्ट, अंडरस्टूड द हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड एंड द डीप रूटेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी कास्ट, एवरी रीजन एंड एवरी कम्युनिटी टू नॉट जस्ट द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री बट द फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ। His two speeches in Parliament over 12 years stand up for me even today. One is a later one in 2017, July 19th, I think, which we reported in full on our web portal, which is that Gaur Rakshaks should be banned by order, state and central. And it was a reasoned speech as to why this vigilantism that is taking lives, that is marginalizing our minority Muslim community, should be banned. And the other one was paying tribute to the marshals in Parliament who look after the dignity and security of the parliamentarians and appealing to Parliament not to put them on contract. Both these, according to me, epitomize what Sita stood for. Comrade Sitaram's demise comes at a time when Indian democracy and secular polity needed him the most. At a time when communalism is trying to do away secularism, his departure is a big blow and leaves a deep void, one that perhaps cannot be filled. Comrade Sitaram's emergence and pioneering role as a student leader during the national emergency and his three consecutive elections as the JNSU president has been mentioned repeatedly. The fact that the JNU community accorded a farewell to him inside its campus is a telling tale of how respected he was by his alma mater and how dear it was to him. It is heartening that even his death, he has inspired the Indian student community, something that he had been doing for around 5 decades. मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी का ये लॉस है। CPM फंक्शनली एक नया जनरल सेक्रेटरी ढूंढ लेगी, लेकिन हम लोग सीताराम नहीं ढूंढ पाएंगे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज हम सब के लिए है। मैं ये संदेश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तरफ से दे रहा हूँ। एक बात मैं एक दो छोटी छोटी चीजें कह करके, आज ये मेमोरियल है उनका, वो भी होते तो कहते यार इतना लंबा क्यों हो रहा है, वो मैं उनको जितना जानता था। और बहुत सारी बातें राहुल जी ने एक संदर्भ में रख दी हैं तो बोलना बड़ा मुश्किल है। मैं भी मैसेज लिखने के लिए बैठा था सीमा जी को, तो क्या लिखूं, तो मैंने कहा टेक केयर।
मुझसे कहिएगा एनीवेयर एंड एनीथिंग, आई कुडंट राइट एनीथिंग मोर। ये हम लोगों की हालत थी। मैं उनके जो सहयोगी हॉस्पिटल में थे लगातार संपर्क में था। ये आज के दिन उनका मेमोरियल मुझे अटपटा सा लग रहा है कि उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम आए, क्योंकि हालिया जब आखिरी हमारी बातचीत मेरी उनसे हुई, उसका मैंने एक अखबार में भी जिक्र किया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि हम मायूस क्यों साउंड कर रहे हो। उनका जो ट्रेडमार्क स्टाइल मार्क स्टाइल था, सिगरेट उंगली में थी। मैंने कहा सर रिजल्ट वैसे नहीं आया। अरे चुनाव हारे हैं ना, हौसला नहीं आ रहा है। दैट वाज सीताराम येचुरी। और मैं एक चीज उनको बेहद पसंद आती थी, मैं कहता था कि किसी ने लिखा बहुत अच्छा पीस लिखा कॉमरेड पे, लेकिन उसमें ये लिखा कम्युनिस्ट विद अ हार्ट। अब मेरा मानना है कि कम्युनिस्ट विद अ हार्ट ये अनोखी चीज नहीं है। यू कांट बी ए कम्युनिस्ट इफ यू डोंट हैव हार्ट। क्योंकि और फिर मैं कहूं कि कम्युनिस्ट होने के लिए सीपीआई सीपीएम सीपीआई एमएल का मेंबर होना जरूरी नहीं है। वामपंथी होने के लिए दिल से राजनीति करनी है, दिल बाएं तरफ होता है। तो सीताराम जी को ये मेरी बात बहुत पसंद आती थी, तो मैंने गाहे बगाहे कई दफा ये बातें कही। मेरी जिंदगी में पहला मैसेज जो उनका मुझको मिला, मैं तब तक एक दो मी जेएनयू डीयू में मुलाकात हुई थी, जब मेरा राज्यसभा के लिए नामित हुआ मैं, 2018 की बात है, 17 में कॉमरेड रिटायर कर गए थे राज्यसभा से, तो उन्होंने मुझको एक मैसेज भेजा, अच्छा हुआ मेरे बाद तुम आ रहे हो, दैट वाज अ गोल्ड मेडल फॉर मी। ये मेरे लिए किसी ने तब तक नहीं कहा था। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं सदन में, कैसे रखूंगा कोई बात, बार इन लोगों के थे। कॉमरेड सीताराम येचुरी, whom we all referred to as Sita, was not just a comrade and a friend, he was actually my student. In 1973, when the Jawaharlal Nehru University started its MA program in economics, Sita, along with a group of other very bright students, joined that MA program. And that was a program in which six of us, mostly in our late 20s or early 30s, participated as faculty and taught Sitaram. He was, of course, a brilliant student. He got A's in all his papers, including from highly exacting, highly strict, meticulous teachers. He could have walked into any distinguished, outstanding institution in the world for his research. He could have walked into any scholarship for financing his education in such a distinguished institutions. He could have got any scholarship. But he, along with others in his batch, decided to stay on in JNU and complete their PhD in our department. Now, from my long experience, I know that a center of learning in India, a university, its success can be defined not by whether you have a good MA program or not, not by whether you have a good BA program or not, but whether you actually have a good research program or not. Because otherwise, they only become finishing schools for foreign universities. The fact that Sitaram and many other bright students of his batch stayed on in JNU to complete their research is something which contributed greatly to making JNU the kind of outstanding institution that it later became. Of course, Sita did not complete his research, to the sorrow of all of us, the entire faculty. He actually abandoned his research and of course became a whole timer of the party. His affability, his lack of any airs, his
gentleness, his modesty are legendary. But above all was his appreciation of life. The Marxist philosopher George Lukács once distinguished between two different kinds of communist revolutionaries, one of which he took as an example, Eugene Levin, who was the leader of the Munich Soviet in 1918 and who suffered martyrdom, was in fact an austere communist. He had said that we communists are dead men on leave. In other words, the notion of a communist having a joie de vivre was something which he did not believe in. As opposed to this, Lukács referred to Lenin, who, of course, was the opposite. He believed in the joy of living. Of course, another thing that a communist often does not have the money and the resources to fully appreciate the joy of living. But nonetheless, this is something which is a kind of cultural trait. And Sitaram belonged to this latter cultural trait. ये सोचना मुश्किल हो रहा है कि हम लोग सीताराम जी की याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं. बहुत ही असमय और बिल्कुल अचानक कमेंट सीताराम चले गए. अभी इस चुनाव के दौर में YouTube पर सीताराम जी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, अनफिल्टर्ड. अब उसमें एक सीन है जहाँ सीढ़ी से सीताराम जी नीचे उतर रहे हैं, दिल का भंवर करे पुकार गुनगुनाते हुए. अब ये मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक अब हमारे बीच में नहीं है, ये सच में इसको मानना कठिन है. 50 साल की यात्रा अचानक आकर के रुक गई. यात्रा शुरू हुई थी JNU से और मुझे हमेशा लगता है कि एक अच्छी बात ये रही कि वो JNU वाला अंदाज, एक छात्र नेता वाला अंदाज, सीताराम जी इसको लेकर ही चले जहाँ भी गए. और इसीलिए पता शायद नहीं चला कि 50 साल बीत गए, क्योंकि अंदाज वही रहा. अगर हम देश की बात करें तो जिस दौर में सीताराम शुरू कर रहे थे वो दौर था कांग्रेस से लड़ते हुए देश में पार्टियां आगे बढ़ रही थी, कम्युनिस्ट खास तौर पर बढ़ रहे थे. और आज जिस दौर में सीताराम हमें छोड़ करके चले गए, ये दौर है जहां भारतीय जनता पार्टी को RSS को पछाड़ते हुए, उसको शिकस्त देते हुए कम्युनिस्टों को आगे बढ़ना है. बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति आज है. तो इस बदली हुई परिस्थिति में कमरेड सीताराम हमेशा इस बदलाव को समझने और इससे जूझते हुए अपना रास्ता तय करने, इसमें यकीन रखते थे. आमतौर पर हम लोग जो बात कर रहे हैं कि तमाम पार्टियों के बीच में एक निगोशिएटर का काम करना, एक मीडिएटर का काम करना बखूबी करते थे. और अब जानते हैं कि जब कई विचार के कई पार्टियां एक साथ चले तो हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं. और जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चलते हैं तो कभी कभी हमारी भाषा भी कॉमन मिनिमम भाषा बन जाती है. लेकिन इस दौर में भी हमने देखा कि कभी कभी सीताराम जी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते थे. पार्लियामेंट में, शायद राज्यसभा में उनका एक भाषण है, बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा. इस दौर को समझने में उन्होंने देर नहीं की और कहीं इसमें कहीं चुके नहीं. और उन्होंने साफ साफ कहा, जिस दौर में हम लोग कह रहे हैं कि संविधान पर हमले हो रहे हैं, संविधान का सबवर्शन हो रहा है, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इंसरेक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के खिलाफ एक बिल्कुल जंग, एक युद्ध चल रहा है. मैं समझता हूँ कि हम सब लोग हिंदुत्व की विचारधारा को वर्षों से हम सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं. इस देश में नव उदारवाद के दौर में कॉरपोरेट की बढ़ती हुई ताकत, इसको भी हम सब लोग जानते हैं. लेकिन ये सब मिल करके जब 2014 में मोदी सरकार की शुरुआत होती है तो ये हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल एक गुणात्मक बदलाव आ जाता है. इस गुणात्मक बदलाव को, इस फांसीवाद के हमले को समझने में बिल्कुल देर नहीं हुई. कॉमरेड सीताराम वॉज
one of the outstanding communist leaders in the contemporary history of our country. His demise is not just loss for CPIM, it is loss for the entire communist movement. It is a loss for the entire communist family. It is a loss for the country as a whole. That is how I look at it. My association with Comrade Sita began during our days in youth students movement. I was in All India Youth Federation. He was in SFI. We used to participate and organize number of campaigns and struggles on the issues based on the youth student problems as well as the challenges that country facing. Comrade Sitaram, myself, had very close association, relationship. He was in the Politburo of CPM. I came to the national leadership of my party. We both developed a close relationship. At national political arena, we started working together. When the United Front government was formed, both of us were nominated in the drafting committee of the Common Minimum Program of United Front government. Both of us worked together and shared our thoughts how to strengthen the Common Minimum Program for United Front government. When the UPA 1 was formed, that was the time again we were together in the coordination committee and we took part in the drafting of the Common Minimum Program of UPA 1 government. And we used to participate in all very critical, crucial meetings where decisions, very critical decisions, were taken.